नमस्कार मॉर्निंग। आज थोड़ा फ्री हूँ तो आपके लिए एक और वीडियो। ये है हिमाचल प्रदेश, बिकॉज ब्रोशर भी आ गया है और सिर्फ एक ही प्राइवेट कॉलेज है एमएमयू सोलन, लेकिन स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई सीट्स भी हैं। और अगर आप फर्स्ट ब्लड एनआरआई और सॉरी प्योर एनआरआई हैं तो आपके बड़े काम आते हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ती सरकारी सीटें हैं। तो जो लोग प्योर एनआरआई हैं वो इन सीटों को ग्रैब करने की कोशिश हमेशा करते हैं। और फिर थोड़ा सा मैं ये भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि बहुत ध्यान से भरना है इसका क्या बोलते हैं फॉर्म, ओके। बट अभी ब्रॉडली सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, राउंड वन से पहले अगर आप एनआरआई कैंडिडेट भी हैं तो भी सिर्फ 2,000 रुपये लिए जाते हैं। तो जहाँ पर दो 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख ले रहे हैं, मध्य प्रदेश सिर्फ ये हिमाचल प्रदेश खाली 2,000 रुपये लेता है, जिसका नुकसान होता है। तो राउंड वन में जो मैं हमेशा कहता हूँ टाइम पास होता है। एंटायर एप्लीकेशन काउंसलिंग प्रोसेस ऑनलाइन हो गया। भाई मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ, 2022 तक हमने भी बहुत एडमिशन्स सोलन में करवाए हैं। आपने इस साल मेरा एक भी वीडियो नहीं देखा सोलन के बारे में, इसीलिए कि अब कुछ किसी के हाथ में रहा ही नहीं। कल से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, 20 तारीख तक फॉर्म है, कोई घबराहट की बात नहीं है। फॉर्म के बाद ये लोग एक मेरिट लिस्ट निकालते हैं। एक्चुअली किसी ने मुझसे पूछा, सर मेरिट लिस्ट का पर्पज़ क्या होता है? देखिए हिमाचल में तो 2 लाख रुपये लिए नहीं जा रहे हैं ना। आइडियली मेरिट लिस्ट का आपको ये पता होता है कि आप ऊपर से कितना नीचे हो, जो मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि काउंसलिंग कैसे चलती है। तो जिस तरह नीट की रैंक है 1 लाख से 24 लाख तक, ऐसे ही जितने लोग हिमाचल का फॉर्म भरेंगे, यूपी का फॉर्म भरेंगे, उनकी एक रैंक बनेगी ना, 1 से लेकर 15,000, 20,000, 25,000, जिन्होंने भी फॉर्म भरा। और फिर जब सीट एलोकेशन होगा तो रैंक के हिसाब से होता है। जो टॉपर है पहले उसका स्कैन किया जाएगा सारी चॉइसेस, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और चॉइसेस सारे स्कैन किए जाएंगे ऊपर से नीचे तक, और जो पहली अवेलेबल सीट है वो मिल जाएगी। अब वो मैं आपको दोबारा नहीं समझा सकता बार बार, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वही बात है, चॉइस फिलिंग के लिए 3 दिन का समय दिए, रिजल्ट दिए 29 को, 30 को, और फिर 3 से 5 हर जगह ज्वाइनिंग। हिमाचल में हर राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड होता है, तो राउंड वन में, 2 में, 3 में जरूरत पड़ेगी तो स्ट्रे राउंड में भी होगा। और स्ट्रे राउंड भी इन्होंने ऑनलाइन ही फिलहाल दिया है, और जो कि अक्टूबर एंड में ख़त्म होगा, जैसे ही सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आया हुआ है, ठीक है। बाकी खास नहीं है, हम जानते ही हैं कि कौन कौन से कॉलेज हैं। ब्रोशर में ऐसा कुछ नहीं, शेड्यूल आपने देख लिया, एक अच्छा नई स्टेट है, और शायद सरकारी लोगों के लिए सबसे अच्छा है। जो लोग हिमाचल डोमिसाइल है उनको सबसे कम नंबरों पर अगर सरकारी सीट मिलती है इंडिया में, तो हिमाचल डोमिसाइल के बच्चे को मिलती है। 6 सरकारी कॉलेज हैं और बहुत कम बच्चे हैं जो नीट में बैठते हैं। तो इस साल जहाँ हम हर बात कर रहे हैं ना कि 650, 640 अगर हरियाणा दिल्ली के हैं, तो हिमाचल के अगर आप बच्चे हैं, स्टेट कोटा की मैं बात कर रहा हूँ, 85% सीटें, तो आपको 560, 570 नंबर पे भी सरकारी सीट मिल जाती है, बिकॉज हिमाचल में इंटरनल कंपटीशन कम है, ओके। और ये सब चलता जाएगा, ये सब कॉलेज के नाम आ गए जो सरकारी कॉलेज हैं, IGMC शिमला, टांडा, ये दोनों बहुत अच्छे माने जाते हैं, सिरमौर, मंडी, चंबा और हमीरपुर। फिर ये डेंटल कॉलेज है सरकारी शिमला में ही, इसके अलावा फिर ये प्राइवेट डेंटल कॉलेज हैं, और फिर एक फेमस प्राइवेट कॉलेज है। देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। हम जानते ही हैं कि जो मंडी वाला कॉलेज है वो ESI के अंडर आता है, तो उसमें सीटें ESI के लिए भी रिजर्व होती हैं। टोटल सीटें हैं उसके हिसाब से, आप जानते हैं 15% बाहर निकल जाता है, उसके बाद ESI का निकला, स्टेट कोटा में जितनी सीटें बची उसमें फिर ये रिजर्व सीटें हैं SC ST। यहाँ पर कुछ कुछ ऐसी सीटें भी हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड की एक सीट होती है, JK माइग्रेंट की एक सीट है टांडा में, तिब्बत रिफ्यूजी की सीट से काफ़ी, आपको पता ही है कि हिमाचल में बहुत लोग रहते हैं मैक्लाउडगंज साइड पे, EWS तो होता ही है, और फिर हर सरकारी कॉलेज में NRI कोटा है, पर टोटल मिला के तकरीबन एग्जैक्ट 20 सीटें हैं। पर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि अभी फीस स्ट्रक्चर देख के आप खुश हो जाएंगे, बिकॉज काफ़ी रीजनेबल फी स्ट्रक्चर होता है। फिर ये सोलन का फी सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो सोलन का जो फी स्ट्रक्चर है कोई चेंज नहीं हुआ इस साल, तो सेम। अगर आप स्टेट कोटा में हो, हिमाचल के बच्चे हो, तो 50 लाख पूरा पैकेज पड़ता है, मैनेजमेंट कोटा में 95 लाख, 16 लाख के बाद एक इग्रीमेंट होता है हर साल। हॉस्टल भी बहुत रीजनेबल है इनका, खासकर सोलन का, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि 25,000 रुपये साल का होता है, जी हाँ, मेस मिला के, तो बहुत रीजनेबल होता है। तो पूरा जो पैकेज है वो आपका 1 CR में काम हो जाता है, ओके। एसी वेसी की जरूरत होती नहीं है।
तो बहुत बहुत रीजनेबल हॉस्टल है सोलन का। उसके बाद बाकी सब तो नॉर्मल है, कुछ खास ऐसा NRI उन्होंने क्लियरली बोला है कि फर्स्ट ब्लड चाहिए होता है, और फिर से भी फॉर्मेट से फॉर्मेट ऑफ एम्बेसी सर्टिफिकेट, सिटीजन सर्टिफिकेट जो भी चाहिए, वो अपेंडिक्स 24 और 25 में लिखा हुआ है, तो आपको दिखा देते हैं 24 और 25 का कि क्या उनको चाहिए। ये फोटो डाल रखी है उन्होंने अपने कॉलेज की, ये देखिए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप जो फॉरन जो खुद कैंडिडेट है, और ये होता है एम्बेसी सर्टिफिकेट। बहुत बहुत बेसिक दो कागज मांग रहे हैं, अगर आपने एमसीसी के लिए कागज बना रखे हैं तो आपका यहाँ पर अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसके अलावा ये बहुत सारे जो अपेंडिक्स थे हम रिवर्स से शुरू हो गए, पर एक्चुअली यही काम के होते हैं। इसमें वही PWD का सर्टिफिकेट, PWD एलिजिबिलिटी क्या होती है वो सब लिखा होता है, डिफेंस के लिए क्या चलता है क्राइटेरिया वो लिखा है। ये देखिए ये होता है फिटनेस सर्टिफिकेट जब एडमिशन से पहले होता है, तो ये स्टैंडर्ड फिटनेस सर्टिफिकेट है जो कि हिमाचल में लगता है, तो वन ऑफ द गुड सर्टिफिकेट्स है। मैं अभी इसको निकाल के आप सबको दे देता हूँ, ये मतलब एक अच्छा जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है, और हिमाचल में यही फॉर्मेट ही चाहिए। ओके, उसके बाद अपेंडिक्स 19 जिसको बोलते हैं, फिर बाकी सिंपल एफिडेविट्स हैं, एंटी रैगिंग वाला, वो कोई ऐसे कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, ये सिंपल एंटी रैगिंग जो बच्चा देता है जब हम एडमिशन ले रहे होते हैं ना, तब ये सब की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली इन्होंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट का दे रखा है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कि बस स्कूल से आपने ले रखा है तो कोई टेंशन नहीं है, फिर भी अगर हो तो बुराई नहीं है। ये देखिए ये वही है कि हिमाचल का मैं सिर्फ वो ले रहा हूँ डोमिसाइल, तो उसका एफिडेविट आ गया। अब ये भी टाइम ऑफ काउंसलिंग में ही करना है प्लेन पेपर पे, तो ये एफिडेविट भी अब मांग रहे हैं जो हिमाचल के बच्चे हैं उनके लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो हिमाचल डोमिसाइल है। ये फिर बाकी हो गए, ये फिर जो लोग बाहर सेटल्ड हैं उनके लिए अपेंडिसेस हो गए, तो बस जरूर देखिए, खासकर जो हिमाचल डोमिसाइल के बच्चे हैं जो 3-4 हैं वो आपको बनवाए। फिर वही जो कोर्ट सीट्स थी, तो तिब्बतन रिफ्यूजी का आपके पास अगर सीट है तो कोटा होना चाहिए, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है तो उसका होना चाहिए, सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसका बनवाइए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वगैरह जो भी लिखा होता है आप ढंग से पढ़िए। पर आई एम श्योर कि आप जो भी रिजर्वेशंस में आ रहे हैं जरूर देखिए इसको, अक्सर ना हम ब्रोशर्स में इस अपेंडिसेस को देखते नहीं है, ये बैकवर्ड एरिया अगर आ रहे हैं तो कौन कौन सा बैकवर्ड एरिया में आता है वो ऊपर था ही। ओके, तो ये सब आप देखते जाइए। और ये बोनाफाइड हिमाचली का, लेकिन ठीक है जिसका बना हुआ है वो चल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद फिर ऊपर चलते हैं, अब रिवर्स में हम आ गए थे क्योंकि तो हम नीचे पहले पहुंच गए थे। आई थिंक काम की सारी बातें ऊपर वाली थी, यहाँ तक फी स्ट्रक्चर दिए हुए हर जगह। हाँ अब आ गया ना काम का, जो हमने कहा था फी सब्सक्रिप्शंस, राइट। तो ये फर्स्ट ईयर की फीस, NRI कैंडिडेट्स की फीस देखिए सिर्फ $20,000 है, तो बहुत सस्ती पड़ती है, मतलब 20 लाख भी पर ईयर नहीं है, तो जो NRI बच्चे हैं उनका काम 1 CR के अंदर अंदर हो जाता है, और इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। ओके, तो हिमाचल में NRI की बहुत लोएस्ट फीस है, इवन BDS की फीस रीजनेबल है, लेकिन MBBS तो बहुत ही रीजनेबल है। ये एडवांटेज है NRI की फीस का। सोलन की फीस हमने ऊपर देख ही ली थी, ठीक है जी। ये है कहानी, उसके बाद ये लिखा था कि जब सेकेंड राउंड आएगा तो फिर 1 लाख रुपए हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज के लिए, 2 लाख रुपए हो जाएगा जो NRI का डिपॉजिट ले रहा है। ओके, ये हम रिवर्स में देख रहे हैं, तो वो चीज़ भी आ गई जब काउंसलिंग शेड्यूल था ना उसमें आ गया, और उसके बाद हम चूंकि हम नीचे भाग गए थे अपेंडिसेस देखने के लिए, करेक्ट, ठीक है जी। तो बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जैसा कि आप जानते ही हैं एज ऑफ टुडे हमारी प्रीमियम सर्विसेज बंद हो चुकी हैं, बिकॉज वी हैव गॉट इनफ क्लाइंट्स,
तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी समय मिलेगा आपकी आपको देता रहूँगा जानकारी, ताकि आप खुद जो काम कर रहे हैं किसी के थ्रू करा रहे हैं तो आप ठीक से काम करा सके, गलती ना करें। और बाकी तो अगर हमें लगेगा मेरे को कि हम दो चार बच्चे दे सकते हैं तो ज़रूर बताएंगे। आप में से जिनके फ़ोन आ रहे हैं उनको यही कह रहे हैं कि जब भी हमें मौका लगे वीडियो बना देंगे कि दो चार सीटें हम दे सकते हैं एज ऑफ टुडे, बिकॉज ये सारा जो प्रेशर इस समय चल रहा है एमसीसी और ये सब स्टेट काउंसलिंग का, तो हमने लेना मना कर दिया है। ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल था कि एनआरआई सीट फिर से वही थर्ड राउंड के दौरान ही कन्वर्ट हो जाएंगी। ये जो दौरान का रूल आया ये काफी बड़ा चेंज हुआ, जिसकी वजह से कॉलेजेस के हाथ में जो भी था वो सब खत्म हो गया, जो मैं आपको बार बार समझाता हूँ। ये देखिए, एनआरआई स्पॉन्सर्ड भी अगर जिसको चाहिए तो इन्होंने प्योर हिंदी में लिखा हुआ है पहली बार, जो आप लोगों को मैं कई बार वीडियोस पर समझा चुका है ना। एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी हिमाचल, अगर चाहे आप सरकारी के लिए जाएं चाहे मौलाना सॉरी सोलन की एनआरआई के लिए सेट, हिंदी में लिख दी है, स्पॉन्सर शैड बी ब्लड रिलेशन टू एप्लीकेंट, ब्रदर और चिल्ड्रन, भाई या भाई के बच्चे, सिस्टर और चिल्ड्रन, सगी मतलब कैंडिडेट की सगी बहन के बच्चे है ना, मैटरनल अंकल और चिल्ड्रन, मामा नाना हिंदी में लिख दिया, जो मैं आपको हिंदी कहता हूँ ना, मौसी मौसा, चाचा ताऊ और उनके बच्चे, पैटर्नल बुआ और उसके बच्चे, नाना नानी, बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है। और तहसीलदार से ये फैमिली ट्री भी मांग रहे हैं। ओके सो बस यही सब था। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, और कीप वॉचिंग द चैनल, टेक केयर।